सब फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। मैं आपका पहले तारुफ करा दूं। आपका नाम है डॉक्टर अदनान आबिद और आप ICTP में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। इससे पहले आपने करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने किंग साउथ यूनिवर्सिटी से PhD की है, राइट? या किंग अब्दुल अजीज से? किंग अब्दुल अजीज है राइट, ओके। और आप एक यू नो ICTP डिप्लोमा एलुमिनस भी हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो फील्ड है, चूंकि वो क्लाइमेट मॉडलिंग एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स है, राइट? तो इस फील्ड के बारे में चूंकि पाकिस्तान में क्या कहते हैं, जानकारी काफी कम है, इंफॉर्मेशन काफी कम है, तो इसको इस फील्ड को अगर आप डिस्क्राइब कर सकें कुछ वर्ड्स के अंदर तो प्लीज। तो थैंक यू वेरी मच आसान फॉर दिस इनविटेशन। आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी चीज़ों का बेहतर तरीके से आंसर कर सकूँ और कुछ शायद क्लाइमेट साइंस में उनको बता सकें कि हम क्या कह रहे हैं और इसकी क्या स्कोप है और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से। ओके, मैं थोड़ा सा क्लाइमेट में आने से पहले मैं तुम्हें अपना बैकग्राउंड बता दूँ कि मैंने फिजिक्स में कायद यूनिवर्सिटी से MSc की और उसके बाद मैंने कंप्यूटेशन करना फिजिक्स में, वहीं से मैंने MPhil किया वहाँ से। उसके बाद मैंने एज अ कैरियर के तौर पर स्टार्ट लिया था अपना एक क्लाइमेट सेंटर है इस्लामाबाद के अंदर जो कि उस दौरान नया नया इस्टेब्लिश हुआ था। उसका नाम है ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर। ये इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश हुआ था और दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइमेट रिसर्च सेंटर जो कि पाकिस्तान में से मैंने इस्टेब्लिश हुआ एज पर ऑफ माई नॉलेज। क्योंकि आपके पास हमारे पास वहाँ पे मेड डिपार्टमेंट तो है बट लेकिन मेड डिपार्टमेंट इज मेनली फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस के तौर पर यूज होता था तब। तो तब ये क्लाइमेट सेंटर और इसका बेसिक मकसद था कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रही है अराउंड द वर्ल्ड उसमें हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसके फ्यूचर इम्पैक्ट्स कैसे होंगे और किस तरीके से अगर होंगे तो उससे अफेक्ट होंगे। तो उसमें जो हमारा मेन काम था उसमें यूज होते हैं क्लाइमेट मॉडल्स यूज होते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स बताने से पहले मैं आपको ये एक छोटा सा वो दे दूं कि जो तक मेरी जितना अर्से से मैंने काम किया मैं ये बताऊँ क्लाइमेट जो फील्ड है ना इससे इससे काइंड ऑफ बिग डाटा प्रॉब्लम एक नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आपके पास जितना डाटा होएगा उतना आपके आपके पास चीज़ों को बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं चीज़ों को देख सकते हैं। और ये बिग डाटा कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये मेनली प्रोड्यूस होता है आपके पास क्लाइमेट मॉडल्स के थ्रू क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपके पास तो कोई आपके पास ऑब्जर्वेशन अवेलेबल नहीं है। जब आपने फ्यूचर क्लाइमेट देखनी है तो आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन तो अवेलेबल नहीं है। ऑब्जर्वेशन तो वहाँ से अवेलेबल हो सकती है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आ सकती है डिफरेंट तरीके से आ सकती है। वो तो जो जो आप देख रहे हैं ये जो पास्ट हो चुका है दैट इज वट यू हैव ऑब्जर्व लेकिन फ्यूचर तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं या प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या था वो क्लाइमेट मॉडल्स डेवलप हुए। क्लाइमेट मॉडल्स अब क्या है, क्लाइमेट मॉडल्स क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जो कि बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स इक्वेशन के बिना आते हैं बनते हैं यहाँ पे बने हुए। और फिर डिफरेंट क्लाइमेट मॉडल्स अवेलेबल होते हैं उसमें आपके पास ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं उनको लोग जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स भी बोलते हैं और रीजनल क्लाइमेट मॉडल जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स भी बोलते हैं उनको। ओके और फिर रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं जो कि बेसिकली ग्लोबल होते हैं पूरे ग्लोब के लिए चलते हैं और रीजन होते हैं कि आप उनको एक स्मॉल रीजन पे भी चला सकते हैं। ठीक है, और फिर आप डिफरेंट टाइम स्केल से डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से लेते हैं। ये बेसिकली आपके पास फील्ड है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप आपकी क्लाइमेट पास्ट में कैसे गुजरी। ठीक है, उसके लिए उस जो जब आप क्लाइमेट मॉडल चलाते हैं तो आप डाटा प्रोड्यूस करते हैं उस डाटा को आप वैलिडेट कर सकते हैं अपनी पास्ट क्लाइमेट से जो आपके ऑब्जर्वेशन से आप ले सकते हैं काफी चीजों से। ठीक है, और उसके बाद जो फ्यूचर क्या है वो आप मॉडल्स के थ्रू देख सकते हैं कि जो अगर आप आपका आपका मॉडल्स अच्छे परफॉर्म करें तो आप उसको ट्रस्ट करके आप उसके फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं कि फ्यूचर कैसे हम हमारे पास हो सकता है कि अगर अगर लेट्स से टेम्परेचर 1.5 डिग्री या 2 डिग्री राइज हो रहा है ग्लोबली तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं डिफरेंट चीज़ों पे। लेट्स से हाई माउंटेन रीजन जहाँ पे आपके पास ग्लेशियर रीजन है वहाँ पे कैसे इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर आपके पास कुछ जगहों पे क्लाइमेट मोर वार्म होना शुरू हो जाएगी कुछ जगहों पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास चीजें किस तरीके से फ्यूचर में चेंज हो रही हैं तो दिस इज हाउ यू सी द थिंग। तो अब क्लाइमेट तब ये तब आगाज हुआ था बेसिकली पाकिस्तान में और हमने उसमें एंटर हुए एंड देन वी केप्ट ऑन मूविंग ऑन दिस केस। तो एज सच उस दौरान में पाकिस्तान में कोई क्लाइमेट साइंस डिपार्टमेंट नहीं था लेकिन बाद में एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ एस्टेब्लिश हुआ कॉमसेट इस्लामाबाद में एज पर ऑफ माई नॉलेज अगेन। ठीक है, मे बी कुछ और भी हो अभी तो उस और भी अभी वो डिपार्टमेंट अभी भी वही है सिर्फ मेरा हाल है जो सिंपली
मेट्रोलॉजी के अंदर एक स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, जो कि कॉमसेट इस्लामाबाद कैंपस में है, जो जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये भी। और बाकी जहाँ तक मुझे पता है कुछ एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट्स हैं कुछ जगहों पे, बट एज अ फील्ड आई थिंक ये हमारे इतनी इस्टेब्लिश फील्ड नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसको होना चाहिए, ठीक है। और एंड एंड आई थिंक दिस इज व्हाट द क्लाइमेट फील्ड इज। और मेरा काम ये है कि हम लोग क्लाइमेट मॉडल्स के थ्रू देखते हैं कि एक तो है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो कि हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द ट्वेंट जो इस सेंचुरी के एंड पे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होगी नेक्स्ट 100 ईयर्स से, एट द एंड ऑफ मतलब एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी किस तरीके से आपके पास क्लाइमेट चेंज होगी, ठीक है। और उसमें फिर डिफरेंट टाइम स्टाइजेस लोगों ने रखी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक और डिफाइन कर दूंगी मैं कि क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क होता है। वेदर जो होती है वो शॉर्ट टाइम स्केल की होती है, 2 to 3 वीक, लेकिन क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिक्स ऑफ लेट्स से वेदर ऑन लॉन्ग टर्म स्टैटिक्स ऑफ वेदर ऑन ऑन इन इन एनी डिफरेंट किसी भी रीजन के अंदर जो हो सकती है, ठीक है। तो और वो लॉन्ग टर्म मिनिमम 10 ईयर्स लेते हैं, और आप उसको 20 भी 30 एंड सो ऑन, आप जितना मर्जी जितनी हम बेहतर जितनी आप उसको जितने आप ईयर्स उसमें डालते जाएंगे आप उतनी बेहतर स्टैटिस्टिक्स आप समझ लें, आप उसको बेहतर तरीके से उसको देखते रहें देखेंगे, हाँ लेकिन मिनिमम 10 ईयर्स एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ठीक क्लाइमेट देखनी तो मिनिमम एटलीस्ट जो है, तो ये जगह तो उसमें फिर ये कि आपने अब ये है कि एक तो ये प्रोजेक्शन होगी, अब उसके अंदर एक होती है क्लाइमेट प्रडिक्शन। क्लाइमेट प्रडिक्शन जो होती है कि आपने ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल क्या मैं नेक्स्ट सीजन प्रडिक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मतलब ये कि अभी मैं समर में बैठा, ठीक है, तो अभी समर खत्म होने वाला, तो क्या मेरे पास नेक्स्ट सीजन में मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास दिसंबर जनवरी फरवरी की क्लाइमेट कैसे हो सकती है, ठीक है। दिस इज हाँ व्हाट सीजन इज लाइक दिस के। वैसे एक सीजन को प्रेडिक्ट करने में जो की कौन सी चीजें आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, कौन से कंपोनेंट्स? हाँ ओके, मैं वही बताऊँ उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास अब हमारे पास जो पूरा एक नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम उसमें आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट है, जिसमें आपके पास एटमोस्फेरिक कंपोनेंट है, उसमें वो ओशनिक कंपोनेंट है, ठीक है, और उसमें फिर आपके ये दोनों चीजें। अब ओशन के पास मेमोरी होती है, एटमोस्फेयर के पास मेमोरी कम होती है आपके पास। तो जो हम ही कहते हैं कि मेरा ये ओपिनियन कि जो जो एटमोस्फेयर की प्रडिक्शन है ना, उसके लिए ओशन एज अ बाउंड्री कंडीशन के तौर पर बिहेव करता है। जैसे कि मेमोरी का क्या मतलब, किस सेंस में मेमोरी का मेमोरी? मतलब यह है कि हम कुछ चीज प्रडिक्ट कर सकते हैं ओशन से, क्योंकि ओशन की हीट ओके कैपेसिटी थोड़ी सी हाई होती है, हमें पता है ये चीज, ठीक ओके ओके है। तो उसकी वजह से उसके पास मेमोरी होती है उसके पास, क्योंकि आपको कोई ना कोई चीज को प्रडिक्ट करना है। सेकेंडली एक प्रडिक्शन का प्रडिक्शन क्यों की जाती है, क्योंकि एक और चीज क्लाइमेट जो है ये बेसिकली क्योटिक इन नेचर आपके पास, ठीक है। तो लेकिन हमने अगर हम उसको अगर हम देखना चाहते हैं कि हम अगला सीजन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्सिंग्स मौजूद होती हैं, उसको नेचुरल फोर्सिंग्स बोलते हैं। वो बेसिकली ऑकर हो रही होती हैं जिसको ओशन के अंदर हो रही होती है। उसमें से एक फिनोमिना होता है जो उसमें आप ओके उसको इसमें फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं एलिनियो सदर्न ऑसिलेशन। ये फिनोमिना होता है बेसिकली पैसिफिक के अंदर आपके पास, और पैसिफिक क्या, पैसिफिक एक बिग ओशन आपके पास तमाम ओशन में से, एक अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। तो बिगर ओशन उसमें एक फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं एलिनियो सदर्न ऑसिलेशन। एलिनियो सदर्न ऑसिलेशन क्या है बेसिकली, अगर मैं उसमें होता ही है कि जो ओशन है उसके पास सी सरफेस टेम्परेचर होता है, जो जो सरफेस का जो सी का अपना टेम्परेचर उसको हम सी सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब होता ही है कि उस जो मीन स्टेट ऑफ द ओशन होती है, उस मीन स्टेट का मतलब है अगर मैं क्लाइमेटोलॉजिकली मीन स्टेट देखा उसकी लाइट से, तो उसकी बनती है उसमें एक होता है वेस्टर्न पैसिफिक इंडियन ओशन जो कि सॉरी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन होता है कि आपके पास, और एक होता है पर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन होता है। जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन होता है ये बेसिकली जो आपके पास ये इनको बोलते हैं समझ ले इंडियन ओशन का बेसिकली ये नेबर है, ठीक है, इंडियन ओशन का नेबर है यहाँ पे। तो ये बेसिकली वार्म पूल कहलाता है, और जो ईस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक है ये बेसिकली कोल्ड पूल कहलाता है आपके पास।
ठीक है, ये इसकी मेन स्टेट होती है। लेकिन अगर कोई एनोमलस कंडीशन डेवलप होती है इसकी डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब जैसे ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से जो ईस्टर्न इंडियन ओशन, सॉरी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, आपके पास सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर आपके पास एनोमलीज डेवलप होती हैं आपके पास, जिसको हम सही बोलते हैं एलिनियो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशंस बोलते हैं, जिसको हम एलिनियो कंडीशंस बोलते हैं जैसे, ठीक है। और इसको नाम इसका इसके अब दो फेजेस होते हैं यहाँ पे। इसका एक पॉजिटिव फेज होता है जिसमें टेम्परेचर अपनी मीन स्टेट से वार्म अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर था, लेट से 26 समथिंग डिग्री था टेम्परेचर था, ठीक है। अगर वहां पे आपके पास टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री के नॉर्मल, तो ये एलिनियो फेज कहलाएगा, जो कि इसका आंसर का पॉजिटिव फेज होगा, यानी ठीक कि है। अगर मीन से ज्यादा होगा तो जी जी एकदम जी 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 अगर उस 26 की बजाय 27 हो गया, ठीक है। और अगर वहां से वो 26 की बजाय 25 हो गया, तो ये उसका कोल्ड फेज कहलाएगा, जिसको हम लानीनिया बोलते हैं, और ठीक क्या है, बोलते हैं लानीनिया, लानीनिया। ओके लापनीनिया, ओके, ओके। इसमें तो इसमें कोई थ्रेशोल्ड है क्या कि कितना ऊपर होना चाहिए कि फिर वो हाँ, एलिनियो चला ओके जाएगा? ओके, ये बेसिकली इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड है 0.5 एंड अबव होना चाहिए। मतलब ये कि ओके 26.5 से ऊपर होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये लीनियर कंडीशंस हुई, ठीक है। ठीक। और इसके अंदर और टेक्निकलिटीज में हम जाएंगे तो फिर ये रनिंग मीन ऑफ सीजन पे आ जाता है। 90 डेज के अंदर पूरी कंडीशंस डेवलप। कुछ लोग इसके देखें 5 कंजेक्टिव सीजन आपके होने चाहिए या 3 कंजेक्टिव सीजन आपके पास एलिनियो, तब उसको हम एलिनियो ईयर के तौर पर मानेंगे, ठीक है। तो है, ये डिफरेंट टेक्निकलिटीज हैं, तो इसमें मैं जाए बगैर मैं सिंपली कोई आपको मसला नहीं। समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपके, और इन्हीं टेक्निकलिटी में आपको अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स को देखेंगे तो आपको डिफरेंट उनके इंडेक्स की वैल्यूज नजर आएंगे बेसिकली, लेकिन सी ठीक सरफेस टेम्परेचर की बुनियाद पे हम लोग देखते हैं। तो अब ये है कि अब ये फिनोमिना मॉडल्स के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आजकल के दौर में। आजकल के दौर में हम मॉडल्स के थ्रू इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर आज मैं मॉडल चलाऊं और मैं बोलूं कि जी ओके, मैंने मॉडल को इनिशियलाइज किया गस से, ठीक है, और मैं देखा ओके पैसिफिक के अंदर कोई कंडीशन डेवलप हो रही है, लेट्स से एलिनियो डेवलप हो रहा है, लानिनिया डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये दिसंबर जनवरी में जाके हो सकता है, ठीक है, इस सकता है, इस पे द क्वेश्चन, मैं इज अ प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी उसमें बता रहा हूँ कि मे बी बेस्ट चांस है। मॉडल आर एक्चुअली क्वाइट गुड, एटलीस्ट 6 मंथ प्रोडिक्शन में आंसर किए, बट काफी बेहतर है इनकी प्रोडिक्शन। अब उसकी बुनियाद पे क्या होता है कि आपने बोला कि ओके नेक्स्ट सीजन अगर अगर आपका लेट से एलिनियो है या लानिनिया है, अब अगर होगा तो उसका पूरे ग्लोब पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये क्योंकि बेसिकली पैसिफिक काफी ह्यूज इम्पैक्ट है पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, उसका इसका इम्पैक्ट नॉर्थ अमेरिका के ऊपर भी है, इसका इम्पैक्ट साउथ एशिया के ऊपर भी है, इसका इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी है, इसका इम्पैक्ट वीकर इम्पैक्ट है यूरोप के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर भी आता है। एंड फिर इसका इम्पैक्ट अफ्रीका के ऊपर, तमाम कॉन्टिनेंटल रीजन के ऊपर आता है, साउथ अमेरिका के ऊपर, ठीक है, सारे रीजन्स पे आता है। और फिर हर बंदे ने अपने अपनी तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया हुआ कि किस तरीके से अगर एलिनियो होगा तो किसी जगह पे बारिश ज्यादा होने के चांसेस और किसी जगह पे बारिश कम होने के चांसेस है, सही। ये जी बेसिकली ये तरीके, तो बेसिकली अब हमारी स्टडीज ये बताती, हम लोग ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं कि अगर अगर एलिनियो होगा तो उसकी वजह से किसी जगह पे क्या बारिश ज्यादा हो सकती है, बारिश कम हो सकती है। तो मैंने अपनी स्टडीज में बेसिकली साउथ एशिया को स्टडी किया हुआ है, और विंटर विंटर सिस्टम को ज़्यादा स्टडी किया हुआ है, और उसके अलावा अरेबियन पेनिनसुला को स्टडी किया मैंने, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला जो था ये कम्युनिटी में इसके दोबारा ऊपर, बोलते हैं, पढ़ के जी तो दोबारा रिपीट कर देंगे ये जो आपने कहा कि मैंने कहाँ कहाँ स्टडी किया है, क्योंकि आपने वीडियो बढ़ ओके गई थी आपकी। ओके, मैंने बेसिकली जो स्टडी किया वो मेनली मैंने जो एलिनो कनेक्शन स्टडी किए हैं, मेनली मैंने साउथ एशिया के जो विंटर सिस्टम्स हैं वो देखे हुए हैं, और उसके अलावा मैंने अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर काम किया हुआ है, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला बेसिकली अगर हम देखें ग्लोब में तो एक ड्राई रीजन के तौर पर कंसिडर होता है। अरेबियन पेनिनसुला का मतलब है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज, अगर मैं उसको डिफाइन करूँ अगर आपको यानी कि समझ में। यमन वगैरह हाँ ओमान जी इस हाँ तरह जी के। हाँ ठीक जी, या मैंने बिल्कुल 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 वो वाला जो आपके पास रीजन आता है, एग्जैक्टली। तो ये ड्राई रीजन के तौर पे कंसिडर होता है, वो तो डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो लेकिन ये मैंने ये स्टडी किया हुआ क्यों, ये इतना ज़्यादा कम्युनिटी में स्टडीड नहीं था इन टर्म ऑफ एंसोटेलिक कनेक्शन के तौर पर अच्छा, देखा और जाए। अरेबियन पेनिनसुला के बारे में एक क्वेश्चन है मेरा कि
एबियन पेनिनसुला को अगर आप देखें तो ये तीन बड़ी वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, रेड सी, और उसके अलावा पर्शियन गल्फ और मेडिट्रेनियन सी. सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका है अरेबियन पेनिनसुला के एनवायरनमेंट के ऊपर? तो मुझे भूल गए अरेबियन सी जो है, वैसे अरेबियन हाँ, सी भूल गए आप, जिसको इंडियन ओशन, वो इंडियन पर्शियन ओशन गल्फ का का हिस्सा ही हो गया ना? नहीं, पर्शियन गल्फ एक अलग से बॉडी है उसकी, छोटी सी जो है, जो कि नहीं, बेसिकली अच्छा, ईरान, अरेबियन सी जो की कि तरफ है. ईरान को, बेसिकली ईरान को, वो ईरान को और वो अरेबियन पेनिनसुला को सेपरेट करके उसको हाँ, अरेबियन गल्फ भी बोलते हैं, उसको पर्शियन गल्फ भी तो बोल वो रहे वैसे वो अरेबियन सी का हिस्सा ही बना जाता है या नहीं? हैं, है तो सही, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं, वो स्मॉल बॉडीज का नहीं इतना, जिसका बेसिकली अरेबियन सी का, नॉर्दर्न इंडियन ओशन बेसिकली में अरेबियन सी जिसे हम बोले, उसका ठीक है, तो उसका उधर से ज्यादा फिर तो उसकी रेड सी का भी नहीं होगा इतना, क्योंकि वो भी इतना बड़ा नहीं है. रेड सी का भी इतना खास इम्पैक्ट नहीं है बेसिकली, क्लाइमेट के ऊपर नहीं है इतना ज्यादा, नहीं है बेसिकली मेडिटेरेनियन सी इम्पैक्ट का है. मेडिटेरेनियन. हाँ मेडिटेरेनियन, देखिए ये मैं आपको ये बताने लगा कि बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट चीजें आ जाती हैं वहां पे, फिर मेडिटेरेनियन सिस्टम्स वहां पे आते हैं बेसिकली, वहां पे आपके पास जिसको हम विंटर क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक पूरे के पास जो कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आती है, और वो ये पूरे के पास सिस्टम आती है जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश होती है विंटर टाइम के अंदर, ठीक है, जो कि वहाँ पे जो सीजन, जो वेट सीजन कहलाता है, वो नवंबर टू अप्रैल का सीजन है, जो कि वेट सीजन के तौर पे कंसिडर होता है वहाँ पे बेसिकली, और उसका क्लाइमेट का इम्पैक्ट आता है, लेकिन मैं मेडिटेरेनियन सी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मेडिटेरेनियन सिस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो बेसिकली ये, हाँ अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि कौन सा सी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो अभी तक हमने देखा है इसमें एक तो ये जिसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन मॉइस्चर का सोर्स ज्यादा यहाँ से जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो मेनली सेकेंड जो जो देखा मैंने कुछ मतलब सेकेंड है वो मेडिटेरेनियन भी कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, चीजों में कंट्रीब्यूट करता है वैसे आपको इसके. लगता है कि क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर सी का कंट्रीब्यूशन सिंगल आउट करना पॉसिबल भी है या नहीं है? ये मुश्किल होगा काफी. ये मुश्किल है, लेकिन आप आई थिंक ये जरूरी है करना, ताकि तब हम कोई चीजों के थ्रू उसको देख चलो, सकें कि फ्यूचर क्लाइमेट में जो चीजें चेंज हो रही हैं, तो हम पिन पॉइंट कर सकें कि कौन से सोर्सेज हैं आपके पास कहने के लिए. और मैंने अभी रिसेंटली इसी चीज पे थोड़ा सा पिन पॉइंट करने की कोशिश की अपनी स्टडीज में, जिसमें मैंने इंडियन ओशन और पैसिफिक को सेपरेट आउट किया दोनों के इन्फ्लुएंसेस का, और फिर मैंने ओके. मॉडल, मैंने थ्रू डेटा एनालिसिस और फिर मैंने मॉडलिंग स्टडीज के थ्रू इनको सेपरेट आउट करके देखा कि कौन सा कहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया के ऊपर किस तरीके से चेंज. तो इंटरेस्टिंगली सीजनल इफेक्ट अगर हर मंथ के ऊपर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है, तो लिहाजा ये इसी में बोलता हूँ ना कि बड़ी सिस्टम इटसेल्फ बड़े क्योटिक हैं, तो जितनी आप डिटेल्स में जाते जाएंगे तो उतनी आप उसको समझने की शायद कोशिश करें. तो वो कहते हैं ना एक मिसाल है कि डेविल लाइज इन डिटेल्स, समथिंग लाइक दैट. तो मेरा ख्याल है कि वो अगर आप जितनी डिटेल्स में जाते जाएंगे उतना शायद मुश्किल तो होता जाएगा चीजें, लेकिन आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन दिस ओके, केस. सो एक क्वेश्चन मेरा यह है कि चूंकि आप आईसीडीपी में काम करते हैं, तो आईसीडीपी का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको रिसर्च के लिए? क्या ICTP का एनवायरनमेंट इज जबरदस्त है, उसमें आपको बड़ा मौका मिलता है लोगों के साथ गपशप लगाने का. आप गपशप से मेरी मुराद ये है कि आप लोगों के साथ अपने प्रॉब्लम्स जो आपके जहन में होता है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी जो फायदा है वो ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट आते हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आपको पता है हर साल यहाँ पे, आपका भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है, आपका भी यहाँ पे, तो आपने देखा ही होगा यहाँ, अनफॉर्चुनेटली आप जिस दौर में रहे उस दौर में पेंडेमिक हुआ, लेकिन फिर भी रिमोटली काम चलता रहा यहाँ पे चीजों के अंदर, तो लेकिन ये नॉर्मली यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज होती है, यहाँ पे लोग वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट आते हैं, आप उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, एंड दैट एक्चुअली बिल्ड योर नेटवर्क ऑल्सो, और इसमें आपका नेटवर्किंग होती है, और इसमें फिर आप लोगों के साथ मिल के काम कर सकते हैं. एंड मेरा जाती ओपिनियन है कि साइंस अकेले बैठ के नहीं हो सकती, साइंस में आपको डिस्कशंस करनी पड़ती है, राइट. और दैट्स हाउ आई थिंक कि, और इस सेंस में जो ICTP की थॉट थी जब ये क्रिएट किया गया था उसके पीछे यही थी कि ऐसी कोई हब क्रिएट किया जाए जहाँ पे आप लोगों को पूल क्रिएट कर सकें, जहाँ से आप लोगों को ट्रेन कर सकें, लोगों को ट्रेन कर सकें, लोगों से इंट्रैक्ट हो सकें, ताकि दैट कैन इट कैन हेल्प फॉर द करियर ऑल्सो. तो आई वैसे थिंक मेरा दैट इज अ मेरा ग्रेट वेज.
मेरा जो एक्सपीरियंस है एसएसबी का, वो तो एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट है, तो आपको लगता है कि अगर आप पोस्ट डॉक हो तो फैसिलिटीज कम हो जाती हैं वहाँ पे, या फैसिलिटीज तकरीबन उतनी ही होती हैं एसएसबी में एज अ पोस्ट डॉक या एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट? नहीं, पोस्ट डॉक के तौर पे अच्छी बात है, फैसिलिटीज होती है हमारे पास, मतलब फैसिलिटीज से आपकी क्या मुराद में, अगर आप उसको थोड़ा सा एलाबोरेट वेल करें। सैलरी पैकेजेस क्या कहते नहीं हैं नहीं रहना, ऑफ कोर्स सैलरी पैकेज ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स से तो बेहतर होते हैं आपके, ठीक लेकिन है। हमें हमें वो कूपन नहीं वगैरह भी मिलते हैं वहां पे नहीं नहीं वो मिलते सिर्फ स्टूडेंट की हद तक हाँ तो होता वही है। ना नहीं, वो तो क्योंकि पोस्ट डॉक इज अ काइंड ऑफ यू नो जॉब, तो वो तो आपको सैलरी मिलती है आपकी, ठीक है। देन इसको एंड देन ऑफ कोर्स आप के पास चांसेस होते हैं, आप डिफरेंट, अगर आप समझते हैं कॉन्फ्रेंस आपके काम की है, जो कि आईसीटी से बाहर भी आप जाके अपना काम प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सो हियर पीपल इनकरेज यू टू गो देयर आल्सो। तो और फिर मैंने आपको बोला कि आपकी नेटवर्किंग में आपको काफ़ी मदद होती है, तो ऑफ कोर्स यू हैव सम गुड बेनिफिट्स वर्किंग हियर अच्छा ही, जो आल्सो। अभी आपने बात करा नेटवर्किंग की, मेरे अगले क्वेश्चन पे जाना था, लेकिन इससे रिलेटेड बड़ा मजेदार क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ गया, और एक प्रेसिंग क्वेश्चन है ये कि मैंने देखा है कि कई सारे पाकिस्तानी जो बाहर से पीएचडीज करके आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं पीएचडीज करके, उनमें और वो लोग जो इंडिया में जाते हैं, इंडिया से जाते हैं और इंडिया से बाहर से पीएचडी करके इंडिया में वापस आते हैं, ये दो लोग जो हैं, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने इस चीज सेंस में देखा है कि पाकिस्तानी ना कनेक्शंस भी बिल्ड करते हैं उस तरह, अपने बाहर कनेक्शंस कनेक्शन अपने बिल्ड नहीं कर पाते बाहर बाहर, राइट, और इंडियंस जो है वो बिल्कुल कर पाते हैं, दैट्स व्हाई इंडिया में रह के वो कटिंग एज साइंस पे काम कर पाते हैं, कोलेबोरेशन अपनी रख पाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आई डोंट नो व्हाई वो अपना एक तरह से ग्रुप तोड़ के आते हैं, तो आपको लगता है कि ये बात सही है जनरली या फिर नहीं? मेरा इंडिविजुअल केसेस में तो हो सकता हो ऐसे हो, लेकिन मैंने हमारे यहाँ एक, जब मैं कदम यूनिवर्सिटी में था, तो हमारे चेयरमैन थे, तो उन्होंने हमें यही कहा था कि जब आप बाहर जाएं तो लोगों से नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया करें। तो शायद मैंने उनसे ये सुना, तो मेरा ख्याल है, तो मैं यही कहूँगा शायद लोगों को बताना चाहिए कि लोगों को किस हाँ तरीके से आपको नेटवर्किंग बिल्ड होती है, सही, एंड कि आप अपने लोगों के पूल से बाहर भी निकल के सोचें, ताकि आप लोगों के साथ, जब डिफरेंट लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको डिफरेंट व्यूज मिलते हैं सुनने को। हो सकता है कि जिस एंगल से आप सोच रहे हो वो डिफरेंट एंगल हो, और कोई आपको उससे बेहतर एंगल बता दे, तो दैट मे हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम आल्सो। तो मेरा ओके, जाती ख्याल है कि दिस इज हाउ इट वर्क, सो ये लोगों को शायद बताने की जरूरत है कि भाई अपने नेटवर्क ग्रो करने की हम लोग कोशिश करनी चाहिए, कि बजाय कि हम उनको, अगर आप और जी, अब आपको मुकम्मल करते हैं, यानी मैं वही कह रहा हूँ कि नेटवर्किंग आपको बिल्ड करनी चाहिए, बजाय कि आप उसको मतलब उसको तोड़ने की कोशिश करें, या उसको आप लिमिटेड करने की कोशिश करें, उसको ग्रो करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ग्रुप एक तरह से टूट गया ना, तो और आप ग्रुप तोड़ के पाकिस्तान गए हो वापस, यानी कि आपने कनेक्शन उतने नहीं एस्टेब्लिश किए हुए, तो आई थिंक पाकिस्तान में जाने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा अगर आपका ग्रुप नहीं है, राइट, तो ये लोगों को बाद काफी लेट रियलाइज होता है जब वो चले जाते हैं पाकिस्तान, और उनको बाहर निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, तो अगर आपने बाहर निकलना है तो ग्रुप आपका होना चाहिए, आप अग्री करते हैं इस बात से? जी, आपको आपका ऑफ कोर्स आपकी नेटवर्किंग, यही इसलिए तो नेटवर्किंग की जाती है, इसलिए तो लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, कि तो आप लोगों के साथ, मतलब कॉन्फ्रेंसेस में जाने का एक मकसद ये भी होता है कि आप लोगों के साथ मिलें, आप लोगों को अपनी, आप लोगों की बात सुने, अपना मतलब अपने डिस्कशंस करें, तो कुछ आपको जैसे कि लाइक माइंडेड पीपल्स, आप लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप लोगों के सही साथ बैठ के आप जब, एंड दैट हाउ इट ग्रोज अप। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह साइंस बिल्डअप हुई है शुरू में भी हमारे यहाँ पे, और अब भी इसी तरह होने चाहिए, मेरा ख्याल है, ये मेरी राइट ओपिनियन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका जो काम है, अभी आपने खुद भी कहा अपने पहले क्वेश्चन के आंसर में कि जो क्लाइमेट साइंस है आप उसको कह सकते हो कि इट्स अ बिग डेटा साइंस, राइट, तो आप अपने काम में किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और क्या आप सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं? हाँ, जैसे मैंने बोला कि बिग डाटा साइंस प्रॉब्लम है, तो बिग डाटा साइंस को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छी अच्छी और तगड़ी कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए होती है बेसिकली, ठीक है। तो अब आप देखें, होता ही होगा कि अगर आपने ग्लोबल मॉडल या अगर आप मेरी मॉडल रिजॉल्व करना है, तो क्लाइमेट साइंस में जितना फाइनर स्केल पे जाते जाएंगे ना, अभी तक हम लोग ग्लोबली लोग उन्हें टेस्टिंग की है 2.5 किलोमीटर ग्रिड का, मतलब यह है कि एक अगर ग्रिड है स्मॉल, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं ग्लोब को 2.5 किलोमीटर ग्रिड के ऊपर, तो इट्स वेरी 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 फाइन ग्रिड टू, ठीक है, आपके आपके बनता है आपके पास 2.5, सॉरी
नहीं 2.5 किलोमीटर, नहीं 2.5 किलोमीटर, नहीं सॉरी, मैं ना सॉरी सॉरी, इट्स ओके, वो क्या कहते हैं, डिटेल इतना मैटर नहीं करती, ठीक है। ओके ओके, मैं इसमें ये है कि जो जो क्लाइमेट साइंस है, मैंने बोला कि बिग डाटा प्रॉब्लम है। यस, इट्स अ बिग डाटा सर प्रॉब्लम, क्योंकि जितना आप मॉडल्स बेसिकली होता ही होंगे, क्लाइमेट मॉडल्स में आप ग्रिड को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, जितना आप हाई रेजोल्यूशन का मतलब है कि हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन, जितना आप ग्रिड्स को स्मॉल करते जाएंगे ना, और हर ग्रिड में पूरी एक क्लाइमेट सॉल्व होनी होती है जिसमें सारे प्रोसेसेस होते हैं आपके पास में, उसमें डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं आपके पास जो सारे के सारे रिजॉल्व हो रहे होते हैं, वो सारे रिजॉल्व होने में जितना आप स्मॉल से स्मॉल ग्रिड करते जाएंगे, उतनी आपको कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा जाएगी, उतनी आप जितनी आप फाइनर डिटेल्स में जाते जाएंगे, मैं इस पर ऐसे कह रहा था, जितनी आप फाइन डिटेल्स में जाते जाएंगे उतनी आपको कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा चाहिए सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए जो सुपर कंप्यूटर्स हैं दे आर द बेस्ट टूल्स ऑफ डूइंग योर प्रॉब्लम इन अ क्विकर वे एंड इन एफिशिएंट वे, एंड यस आई डू यूज द सुपर कंप्यूटर्स, एंड बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन क्लाइमेट मॉडल एंड वी हैव टू do somehow to use these kind of to use the super computer. अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो सकता है कि हम कभी कई दफा ये सुनते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस तरह की कि अमेरिका जो है वेदर कंट्रोल कर रहा है, राइट? डू यू थिंक कि कोई भी इंसान इस वक्त वेदर कंट्रोल कर सकता है क्या या नहीं? यार ये नहीं, कहने को तो बड़ा कुछ हो सकता है ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि नेचर को ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है, नेचर को बजाय कि आप समझने की कोशिश करें करें बजाय कि आप उसको छेड़ने की कोशिश करें, नहीं, ठीक है। वो तो एथिकल एथिकल हाँ, प्रिंसिपल है, और लेकिन मेरा कर सकता है। जाती मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंट थॉट्स हैं, कुछ लोग तो कहते हैं जैसे आपने बोला कि करते हैं ठीक है, करते हैं, लेकिन इसमें आप फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल रेन के प्रोसेस आप देख सकते हैं, लोग आर्टिफिशियल रेन करते हैं ठीक है, दैट्स अनदर प्रोसेस, बट उसको पटअप पटअप नहीं, मेरा जाति हाल है कि मेरा नहीं हाल ऐसे किया जा सकता ठीक है, लोग तो ये लोग भी कहते करते हैं, लोग हैं करते हैं, कर सकते हैं मे बी यस, बट करते हैं कि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह करते हैं, ये ओके, मेरा यानी क्या ओपिनियन। आप ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी टोटली ऑफ द टेबल नहीं है कि लोग कर सकते हैं? यानी कि कई दफा ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ा अजीब सा इल्जाम लगता है। इसके साथ एक और इल्जाम ये भी आता है कि अमेरिका जलजले लाता है, जलजले वगैरह भी कहते हैं, तो जलजले भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये मैं इसलिए तो बात कर रहा हूँ कि शायद इसमें फिर वही आती है कि अगर 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 हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि चीजों की किस तरीके से हो रही हैं, तो शायद ये बातें ना, फिर कंस्पिरेसी थेरीज ना, मेरा मेरा ओपिनियन है यहाँ पे कि अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की, कि चीजें कैसे चल रही हैं, किस तरीके से एक मैकेनिज्म दूसरे को ट्रिगर करता है, एंड सो ऑन इट गोज ऑन, तो और ये अभी भी अननोन है चीजें सारी की सारी। अब आपको पता है यहाँ पे एसीटीबी में ये अर्थ सिस्टम फिजिक्स के तौर पे मानी जाती है, जिसमें आप अर्थक्वेक्स भी पढ़ते हैं शुरू के कुछ कोर्सेज में आपको पढ़ाया जाता है ठीक है, फिर एटमोस्फेरिक साइंस भी पढ़ते हैं, फिर ओशन भी पढ़ते हैं आप ठीक है, तो डिफरेंट ये डिफरेंट चीजें आपके पास, लेकिन अभी तक इनका अगर आप बात करें कि एक दूसरे के साथ अगर अर्थक्वेक्स किसी एटमोस्फेयर साइंस से किस तरीके से चेंज मतलब स्टैब्लिश है, आई थिंक इट्स अ वेरी लूज कनेक्शन अगर मैं बोलूँ। हाँ, कुछ लोग जैसे कहते हैं हिमालय ग्रो कर रहा है तो उसकी वजह से एटमोस्फेरिक सिस्टम, बट दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस ठीक है, मतलब जो स्टडीज मौजूद हैं ठीक, तो ये है तो सही बट इज वेरी लूज कनेक्शन, अगर हम इस तरीके से तो नहीं कह सकते कि वो दे आर वेरी वेल सेट, नहीं इस तरह नहीं है, इसमें मेरा मेरा ओपिनियन इस सेंस में है कि, तो लिहाजा मेरा जाते ओपिनियन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डाई डाउन हो सकती हैं अगर इनको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जाए और इनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए, और इनको स्टडी करना आसान नहीं है, जैसे हमने पहले ही बात की, इनको स्टडी करने के लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा हर फील्ड का अपना अपना एक जिसे कहते हैं माहिर होता है बंदा ठीक है, उसको फिर उस तरीके से आपको इंगेज करना पड़ता है, एंड देन यू डू द वर्क थिंग्स टुगेदर इन इसमें दिस केस। आई थिंक कुछ कंस्पिरेसी थियरीज को डिबंक करने के लिए तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है कि रिसेंटली डॉक्टर हुसैन बात कर रहे थे एक कंस्पिरेसी थियरी के ऊपर, जिसमें कंस्पिरेसी थियरी ये थी कि अमेरिका ने कुछ बम यूज करके, कुछ बॉम्ब यूज करके टोर्नेडो ले आया है। तो वो कह रहे थे कि अगर आप टोर्नेडो की एनर्जी देख लो और कुछ बम्स की एनर्जी देख लो, तो टोर्नेडो की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा एनर्जी है ऑफ कंजर्वेशन को जी, तोड़ रहा है।
तो इतनी सिंपल भी कई दफा होती हैं चीजें तोड़ना, लेकिन लोग फिर भी बिलीव करते हैं चीजों पे। खैर अच्छा, एक और चीज की तरफ आते हैं, वो दरअसल आई थिंक ज्यादा रिलेटेड है आपकी फील्ड से। तो आप क्या हमें कुछ ब्रीफ कुछ सेंटेंसेस में बता सकते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज एक एस्टेब्लिश फैक्ट है या अभी भी ये क्या कहते डाउटफुल है जैसा कई लोग कहते हैं? यार अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर्स के ग्राफ देखें जो कि डिफरेंट आपको वेबसाइट्स से मिल जाएगा, और अभी जो रिसेंटली एक एक आपने नाम सुना होगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको IPCC बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि डिफरेंट क्लाइमेट साइंटिस्ट डिफरेंट साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उसमें डिफरेंट मुल्कों से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ये हर सब्जेक्ट का एक अपना अपना एक स्पेशलाइज लोग होते हैं। तो ये भी बात है, ये कोलाबरेटिव वर्क करते हैं, और जो साइंस लोगों ने की होती है उसकी बुनियाद पे पूरा उसको सिंथेसाइज करके उसके मुताबिक एक चीज़ एस्टेब्लिश करते हैं, जो कि बेसिकली एक रिपोर्ट की शक्ल में भी बाहर आई है, जिसको IPCC AR6 बोलते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट 6 बोलते हैं बोला। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसी अगस्त, आई थिंक 9 अगस्त को ये लॉन्च लॉन्च हुई है रिसेंटली। तो अगर आप देखें उसमें आपको डिफरेंट तरह के चीज़ें नजर आएंगी जो उन्होंने असेसमेंट की हैं, और डिफरेंट जो कि बेसिकली तमाम की तमाम जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने बताया, असेस करके बताया कि क्लाइमेट इज चेंजिंग, क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड क्लाइमेट मे लाइकली टू चेंज इन फ्यूचर ऑल्सो, क्लाइमेट क्या इज लाइकली क्लाइमेट जो रीजन? लाइकली टू चेंज इन फ्यूचर ओके ऑल्सो, ठीक है। ओके और उसकी रीजन है कि टेम्परेचर राइज हुआ है पिछले, अगर आप डिकेड खास तौर पर देखें 1980 ऑनवर्ड, सब काफी स्टीप राइज हुआ टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर को हम देखें तो काफी स्टीप राइज हुआ ग्लोबली टेम्परेचर तो। और उसके अलावा ये है कि अगर हम देखें पिछले लास्ट 2 डिकेड्स में, जो कि 2001 से लेकर 20, तकरीबन इसमें 0.99 या 1 डिग्री C के करीब टेम्परेचर ओवरऑल राइज हुआ प्री इंडस्ट्रियल एरा के से, अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो टेम्परेचर को, तो देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब है क्लाइमेट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिस। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो जैसे देखेंगे आप उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं आपके पास दुनिया के अंदर, आप देखें तो जैसे हम आप भी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जैसे भी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जर्मनी में फ्लडिंग हुई आपके पास, ठीक है। उसके बाद टर्की में वाइल्ड फायर्स हुए, फॉरेस्ट फायर्स हुए आपके बाद, फिर उसके बाद ये चीज़ उससे 1920 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में हुए थे वाइल्ड फायर्स, ठीक है। अगर मैं आप US में बैठे हैं तो आपको पता है कि कैलिफोर्निया में काफ़ी होते हैं फायर्स होते हैं, ठीक है। और अभी अभी आपने सुना होगा काफ़ी हीट वेव के तौर पे जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हीट वेव थी पिछले दिनों के अंदर। एरिजोना में मैंने देखा था बहुत गर्मी है, हाँ एरिजोना ओके वही कैलिफोर्निया मतलब। ना, हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो वेस्ट कोस्ट के ऊपर आपकी काफी उसमें काफी थी। तो बेसिकली ये वो हैं जो कि एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, ठीक है, और ये इंटेंस होते जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। मुझे याद है कि इंटेंसिटी एरिजोना में उन्होंने क्या कहते हैं एक पैन रखा था, फ्राइंग पैन, तो उन्होंने अंडा अच्छा अंडा रखा, वो बन गया, फ्राई हो गया हाँ, ये अंडा मेरा ख्याल है मैंने वीडियो देखी है किसी, मैंने भी शायद देखी है। तो वो बेसिकली ये ऐसे था कि तो इसका मतलब क्लाइमेट इज चेंजिंग, ठीक है। तो और वो सारी की सारी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अब इसको किस तरीके से देखना है, वो यही है कि अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट अगर हम 1.5 डिग्री C सिर्फ रखें ग्लोबल टेम्परेचर, अगर आपका इससे ज़्यादा ना बढ़ सके ग्लोबली टेम्परेचर, तो शायद हम किसी मुनासिब रेंज में रह सकते हैं जिसको हम क्लाइमेट को देख। लेकिन अभी तक के एस्टिमेट के मुताबिक ही में क्रॉस 1.5 डिग्री C बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो इसका सही। मतलब है कि चीज़ें बदल रही हैं, और हमें जैसे कहते हैं ना कि शायद लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, मोर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की जरूरत है चीज़ों के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से शायद कुछ इससे, और डेफिनेटली कुछ इससे असर तो पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं जीरो एमिशंस की तरफ जाने की जरूरत है लोगों को। वैसे आप आपको कोई नासा से पेचक तो नहीं आता ना, कोई पक्का तो नहीं है ना, सॉरी क्योंकि नासा से पेचक तो कोई नहीं ना आता, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बात बस में ये है कि जो क्लाइमेट साइंस के डिनाइज क्लाइमेट नहीं चेंज के डिनायर्स हैं वो कहते हैं जितने लोग भी क्लाइमेट साइंस में काम कर रहे हैं वो नासा के पेरोल पे हैं, वो झूठ बोलने के लिए।
राइट, ये नहीं वाकई यार होता मुझे है। ऐसा कोई पिक्चर नहीं आता नहीं, मुझे ऐसा कोई और पिक्चर नहीं डायरेक्ट आता तो नहीं डाल देते अकाउंट में? नहीं, देखिए आप हमने डेटा की बुनियाद पे बोल रहे हैं ना। देखिए बात यह है कि जो जो साइंस ने ग्रो किया, क्लाइमेट साइंस ने, उसकी डाटा क्वालिटी बेहतर होती जा रही है दिन ब दिन। लोग उसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशंस आती जा रही हैं, डिफरेंट मेथड्स आते जा रहे हैं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और आप मोस्ट मतलब अच्छी चीजों की तरफ जाता, आप उसकी आप मतलब अब मेरे कहने का मकसद ये है कि हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से स्टैब्लिश कर सक रहे हैं चीजें के, यार देयर इज समथिंग हैपनिंग अराउंड अस। तो अभी तक तो यही है कि जो डाटा है उसके बकौल, और वो डाटा स्पीक्स पर वो खुद से करता है कि क्या बता रहा है वो। अगर आप उसको सही तरीके से एनालाइज करें तो चीजें चेंज हो रही हैं, क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड यस अच्छा, इट इसमें एक और क्वेश्चन ये है मेरा कि आपकी जो फील्ड है इसमें लीडिंग इंस्टीट्यूट्स कौन सी हैं दुनिया के अंदर जो कि सबसे बेहतर काम, बेहतरीन काम कर रही हैं क्लाइमेट साइंस के, क्लाइमेट डायनामिक्स के ऊपर? लेकिन अभी तो आपने नाम ले लिया खुद से, नासा ले लिया, ठीक है अच्छा चलें, ठीक है, एक तो वो हो गई, उसके ठीक अलावा है। नासा नहीं मतलब उनके एनकार है बेसिकली, ठीक है। और नासा एनकार, और उसके अलावा नोवा है यूएस में। फॉर एग्जांपल ओके, इफ आई टॉक अबाउट यूएस, अगर मैं बात करूं तो यूएस में जो है आप नोवा ले लें, एनकार है, ठीक है। उसके अलावा GFDL है, और GFDL? तकरी जी हाँ जी, जियो फिजिकल डायनामिक्स लेबॉरेटरी और फ्लूड डायनामिक्स लेबॉरेटरी। तो और अगर मैं देखूँ, मेरा ख्याल है मैक्सिमम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, अगर मेरा जाती जहाँ तक मैं देखूँ, तो ऑलमोस्ट इन एवरी यूनिवर्सिटी दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर इन यूएस। अब अल्बनी का मुझे नहीं पता वहाँ पे होते, मेरा ख्याल वहाँ पे भी है होगा, मुझे पता है। इनका डिपार्टमेंट है, बट मे बी उसमें है। तो इन इन ऑलमोस्ट एवरी अदर यूनिवर्सिटी यू हैव दिस एटमोस्फेरिक साइंस और क्लाइमेट साइंस, एटमोस्फेरिक साइंस डिपार्टमेंट है। तो इट इज देयर। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा तो इसका वही है उसमें, यूएस में है। फिर अगर आप आ जाएं यूरोप में, तो यूरोप में जो सबसे बड़ा यहाँ पे सेंटर माना जाता है, जिसके जो बेसिकली उसको बोलते हैं ECMWF, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम वेदर फॉर, ECMWF, हाँ जी, वेदर फोरकास्टिंग। तो ये ये कहाँ पे है? वैसे ये यूके में है, लेकिन अब ये डिफरेंट इसकी महल है, इसको वो डिफरेंट इसके बन रहे हैं, हब्स बन रहे हैं। एक जर्मनी में इस्टेब्लिश अभी रिसेंटली हो रहा है, कुछ इसका पार्ट इटली में है इस्टेब्लिश हो रहा है, और कुछ यूके में ही रहेगा शायद। तो ये यूके बस में जो है ये मेट डिपार्टमेंट के साथ ही है? नहीं, मेट डिपार्टमेंट सेपरेट, मेट डिपार्टमेंट सेपरेट है, लेकिन ये यूरोपियन सेंटर है, इसमें तमाम यूरोपियन जो है ओके ना, okay. ये उसमें ये बेस्ड दैट पार्ट है। तो दिस इज बेस्ड ऑन यूरोपियन सेंटर कहलाता है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग सेंटर है, ठीक है, इसमें केस ये में मेट आते हैं। डिपार्टमेंट से बड़ा है? हाँ ये मेट डिपार्टमेंट, तो यूके मेट मेट डिपार्टमेंट है उनका, वो भी वन ऑफ द बेहतरीन साइंटिस्ट बैठेगा हुए हैं। उसके ठीक अलावा है, ICTP में हमारा ग्रुप है, जो कि हम लोग ग्लोबल मॉडल्स में काम करते हैं, और रीजनल मॉडल में वन ऑफ द पाइनियर्स इन रीजनल मॉडल के अंदर, इस फील्ड के अंदर। तो ये है। और उसके अलावा जहाँ मैंने काम किया सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे हमारा एक सेंटर स्टैब्लिश हुआ था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च। तो हमने समझ लें कि ये वन ऑफ द, जैसे कहते हैं, अरेबियन वर्ल्ड के अंदर दैट वाज द ओनली क्लाइमेट सेंटर एट दैट टाइम। तो अभी वहाँ पे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी ये प्रोग्राम, जैसे काउस में उनका अपना एक सिस्टम है, वो लोग आप अपना काउस्ट इज अ डिफरेंट फ्रॉम के ये यू, कहाँ पे? अच्छा, ये काउस्ट भी सऊदी अरेबिया में ही है, सऊदी अरब? ठीक है। ठीक है, हाँ तो वो उनका अपना एक है वहाँ पे, लेकिन ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज रिसर्च है, ये वहाँ पे एक सेंटर स्टैब्लिश हुआ था, जिसमें थ्रू हमने बेसिकली काफी काम किया, और वहाँ पे हमने एक मॉडल भी डेवलप किया जो कि बेसिकली काओ मॉडल कहलाता है, काओ ग्लोबल मॉडल कहलाता है, ठीक जो है, कि मैंने हम जिसमें मैंने काम किया। और ये मॉडल अब एनसो प्रोडिक्शंस के लिए यूज होता है बेसिकली, और ये एक जो ग्लोबल प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट भी करता है, जिसमें डिफरेंट सेंटर्स अराउंड द ग्लोब, जिसमें कुछ सेंटर्स, जिसमें चाइना का भी अपना मॉडल है, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया का अपना मॉडल है, ठीक है, फिर इसी तरह इंडिया का अपना एक मॉडल है, उन्होंने अभी रिसेंटली IPCC में भी कंट्रीब्यूट किया है, इसको IATM बोलते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो क्या IATM एनसो प्रोडक्शंस में
कहता नहीं, वो आई है तो उसमें नहीं कहते, वो क्लाइमेट चेंज की तरफ कहते हैं। हाँ तो वो तो उसके अलावा और डिफरेंट, मेरा हाला फ्रांस का मॉडल है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने मॉडल्स उन्होंने बनाए हुए हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज में भी और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में, जिसमें एंसो जो है वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, जिसके थ्रू हम मॉडल को, जिसके थ्रू हम सीजन प्रोडिक्शन कर सकते हैं। एक चीज मैं बताना तो मैं चाहूंगा, हम नारी बात में रुक गए थे, हम सीजन प्रोडिक्शन के क्यों मैं बार बार बात कर, सीजन प्रोडिक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे बेसिकली इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है आपके पास, ठीक है, फार्मर को पता होना चाहिए कि भाई अगली सीजन मेरे पास कितनी बारिश हो सकती है, ठीक है, तो मैं उस लिहाज से अपनी क्रॉप को किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में सीजनल प्रोडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके पास, कि अगर आपको एस्टिमेट हो कि अगर आपके पास अगले सीजन में बारिश कितनी होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है, चांसेस में फिर बात करूँ, चांसेस की बात करूँ, ठीक है, हो सकता है, तो उस लिहाज से ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये हमें सिर्फ काम करने की जरूरत है, ठीक है, ये चीज हम लैक करते हैं। मैंने इसलिए बोला ना कि मेट डिपार्टमेंट का काम ऑपरेशनल है, लेकिन ये मेनली रिसर्च पर्पज है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों को बेसिकली कंबाइन करने की जरूरत है कि रिसर्च को ऑपरेशनल पर्पज के साथ हम किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरफ आने की जरूरत है कि हम सीजनल प्रोडक्शन कैसे चीज को बेहतर कर सकते हैं अपने अपने रीजन की। तो उसके मैं लिए वन ऑफ द जी फिर जो जी होता है, फिर हम घूम के घुमा के भी बताते हैं कि एलिनियो सदर ऑसिलेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन अभी हम डिफरेंट मोड्स ऑफ वेरिएबिलिटी और भी हैं, जिसमें इंडियन ओशन का अपना रोल है, अटलांटिक का अपना रोल है, हम वो अलग से स्टडीज हैं, वो हम लोग डिफरेंट देखना, तो दैट्स अनदर केस। बट मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि मैं सीजन पे बार बार क्यों, क्योंकि ये एक सोसाइटियल इम्पैक्ट की तरफ हम चीज को लेके जा रहे हैं बेसिकली, कि किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आपके पास आपकी लोकल स्केल क्या रिएक्ट, मतलब आपकी क्लाइमेट किस तरह की हो सकती है, तो क्या सीजन कहते हैं इंडिया में ऑफ और कैसे हो। चाइना में जो मेजर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कोई इस पे काम करने वाले? इंडिया में IITM है, उनके पास ओके काफी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मिलाते हैं, ठीक है, और मेरा हाल है ये कोलैबोरेशन है इनकी शायद है, जो इनका मेट डिपार्टमेंट उनके साथ इनकी। अब ठीक है मैं आई थिंक दैट एंड दे आल्सो हैव सम यूनिवर्सिटीज, दे हैव सम प्रोग्राम्स नाउ इन देयर। चाइना में उनका बीजिंग क्लाइमेट सेंटर है, ठीक ओके है, और उनके पास अभी ओशनोग्राफी पे भी काफी सेंटर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो यस, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। तो और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में भी लोग काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनका भी अपना मॉडल है जिसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है पूरा उसका नाम मॉडल का है, कम ऑन यार, भी मैं कल रात को चले, उसको कोई नहीं, कोई मसला नहीं, कोई हाँ मसला नहीं। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना है कि वहां पे काफी सीरियस काम हो रहा है इसके ऊपर, राइट? ये बात सही है क्या? सीरियस यानी काम तो दुनिया भर में हो सीरियस रहा नहीं, सीरियस है काम, सीरियस का मतलब है कि यहाँ के मच बेटर देन एवरेज, जिस तरह ये कोई एक क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट करती है इस पर काम। फॉर एग्जाम्पल, कई दफा लोग जब क्लाइमेट चेंज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हमें ज्यादातर वो ऑस्ट्रेलियन अकेडमी ऑफ साइंस से लेकर आते हैं डेटा, तो वहां से इतना डेटा क्यों लाते हैं? वहां उसका डेटा बहुत क्रेडिबल है क्या? ये मेरे लिए न्यूज़ है जो आप बता रहे हैं अच्छा नहीं, मैंने देखा है नहीं क्योंकि काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलियन क्या नहीं कहते नहीं हैं। नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया में काम हो रहा है, ये आपकी बात सही है, ऑस्ट्रेलिया में काफी काम हो रहा है, और रिसेंटली उन्होंने अपने जो है काफी सेंटर्स भी वहाँ पे स्टैब्लिश हो रहे हैं, और वो काफी काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम के तौर पर उनके चल रहे हैं काफी ज्यादा। उसके अलावा वहाँ पे उनका एक सैरो एक इंस्टीट्यूट एक सेंटर है, उसके थ्रू भी उन्होंने डिफरेंट किस्म के ना प्रोडिक्शन प्रोग्राम के तौर पर लॉन्च कर रहे हैं, क्लाइमेट प्रोडिक्शन किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती हैं, ऑन ऑन सीजन डेडिकेटेड टाइम स्केल के तौर पर कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं, ठीक है, कैसे की जा सकती हैं, कैसे कर सकते हैं। हाँ, दे आर डूइंग अ गुड वर्क, उनके पास काफ़ी, दे हैड अ वेरी गुड साइंटिस्ट वर्किंग ओवर देयर। तो लेकिन ये जो मेरा ख्याल है जो जो मेनली जो सबसे पुराना डाटा माना जाता है ना, वह मेट ऑफिस के पास है, यूके मेट ऑफिस के पास, जो तक जहाँ तक मेरा ख्याल है उनके उनके पास है। लेकिन देखिए, अब ये है कि पुराना डेटा, एक हमारी फील्ड में एक और चीज है जिसको हम पैलियो क्लाइमेट स्टडीज बोलते हैं। पहली क्लाइमेट स्टडीज पैलियो क्लाइमेट का मतलब होता है कि आप
पास्ट में क्या हो चुका है, मिलियंस ऑफ ईयर्स आप देख सकते हैं पीछे क्या हो चुका है, वो भी मॉडलिंग के थ्रू ही होती है आपके पास चीजें, ठीक है। दैट्स अनदर इशू, वो उस पर हम लोग नहीं मतलब देखते थे, मतलब मैं नहीं देखता क्योंकि काफी और लोग देखते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऑब्जर्वेशनल डाटा अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल है यूके मेट ऑफिस के पास ज्यादा बेहतर है, मे इसमें क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, अच्छा बी अजीब ऑस्ट्रेलिया सा। के पास भी हाँ नहीं आई मुझे डोंट पता, ठीक है कोई मसला नहीं। लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ध्यान में काफी देर से था कि क्या हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मार्स पे हमारे 3 रोवर्स कोई जा चुके हैं, राइट, इंसान के, आई थिंक अमेरिका के 3 चले गए हो सकते, और इंडिया का भी एक किया हुआ है। तो क्या हमारे पास मार्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम वहाँ का क्लाइमेट स्टडी कर सकें, या ऐसी कोई स्टडी नहीं होती दुनिया के अंदर? ओके नहीं, जो हुवर भेजे जा रहे हैं वो इसलिए भेजे जा रहे हैं कि उधर का डाटा लिया जाए और उनको स्टडी किया जाए एक लेकिन वो क्लाइमेट ऐसे, डाटा आई लेते हैं या नहीं लेते हैं? आपको लगता है क्या थिंक लेते होंगे लेते हैं, लेते क्योंकि होंगे? मेरा ख्याल है क्योंकि विपेशन ने पूछा है कि बताते कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है वहां पे, किस तरीके से टेम्परेचर होता है, ठीक है, और तो उसके बारे में स्टडीज तो जा रही है। तो ऑफ कोर्स अगर आप इतना इतना तरद्दुद करके एक हुआ भेजते हैं तो फिर आपके पास डाटा तो आता ना सारे का सारा, और फिर आप उसको किस तरीके से देखते हैं उसको। आई थिंक पीपल आर वर्किंग ऑन दैट, आई थिंक यूएस में ज्यादातर लोग उस पर कुछ ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इस तरीके से, बाकी अच्छा, प्लैनेट्स में किसी। अब हम स्पेसिफिकली अगर बात करें कि हम कुछ हद तक तो बात कर चुके हैं इस बारे में कि पाकिस्तान में सिर्फ आप कह रहे हैं मेट ऑफिस है, राइट, जो कि जो काम करता है इस पर, लेकिन रिसर्च इतनी कोई मेन स्ट्रीम नहीं है पाकिस्तान में। तो नहीं, आप, मेट ऑफिस मैंने बोला कि ऑपरेशनल पर्पस हाँ, में ही ऑपरेशनल पर्पज के लिए, लेकिन रिसर्च नहीं रिसर्च करता, राइट? तो मेरा हाला भी है उनका डिपार्टमेंट, बट नॉट दैट मच आई थिंक, मतलब है सही, मैं ये नहीं कह सकता कि वो अगर ये कुछ सुने तो वो कहे जी ये तो नहीं, नहीं हुआ है सही उनका, मुझे पता है कुछ क्योंकि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो दोस्त हैं वहां पे होते हैं, लेकिन आई थिंक वी नीड वन मोर स्पेसिफिक, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे एग्जाम्पल यूएस में देखें, लोग डिफरेंट सेंटर्स हैं, हर कोई काम कर रहा है, ठीक है, और ये नहीं हम कह सकते कि एक है तो दूसरे की जरूरत नहीं होगी। मैं आपका जो क्वेश्चन समझाऊंगा बेसिकली ये नहीं हम कह सकते, नेशनलाइज थोड़ी है ये चीज, हाँ हाँ राइट? ठीक है। तो जितनी जितने इंस्टीट्यूट होंगे उतने ही बेहतर है, उतने ही आप एक तरीके से आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ओपिनियन, हाँ जब ये मैं कह रहा था कि आपने ये भी कहा था कि कॉमसेट्स में भी ऐसी कोई है सेंटर इनका, जी, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उनका, तो जी वहां पे वो रिसर्च करते हैं इस पे जी या जी नहीं जी करते, उनका उनके 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 पास उनके मैं हम लोग सर्च करते जी, उनके राइट? तो पास क्या आपके आपके ख्याल आपके नज़र में कोई और इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में जो कि ये करता हो रिसर्च इसके ऊपर, चाहे थोड़ी इतनी बेहतर ना भी करता लेकिन करता हो एटलीस्ट? नहीं भाई, जैसे मैंने बताया GCISE का जहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था इस्लामाबाद में, जी क्लाइमेट सी एल सेंटर एस ओके जी GCISE, सी आई ठीक एस है सी ठीक सॉरी ओके है। तो वो उससे जिसमें मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो लोग क्लाइमेट पे काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया ना, यही ये क्लाइमेट रिसर्च क्लाइमेट चेंज सेंटर के तौर पे बना था शुरू के अंदर, कि ओके क्या आप किस तरीके से क्लाइमेट चेंज देख सकते हैं। तो क्योंकि वो वैसे की रिसर्च पर्पस मेनली मोस्टली चीजें थी वहाँ पे, लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक वी नीड मोर, दे मेरा ओपिनियन है, हमें एज अ जिसे कहते हैं ना डू यूनिवर्सिटीज मोर, में, यस हमें यूनिवर्सिटीज में जिसे कहते हैं ना एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इसको मोर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है चीजों ग्रेजुएट की, लेवल पे। ग्रेजुएट लेवल पे करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि लोगों को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया जा सके, लोगों को बताया जा सके ये भी एक सब्जेक्ट है और ये प्रॉपर सब्जेक्ट है, ठीक है, किस तरीके से आप इंट्रैक्शन स्टडी कर सकते हैं, किस तरह आप क्लाइमेट को स्टडी कर सकते हैं, किस तरह आप चीज़ों को देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका माउंटेन्स हैं उसका अपना एक रोल है। मैंने अभी पिछले दिन एक सिस्टम मॉडलिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने किया तो वो बड़े फैसिनेटिंग रिजल्ट है, अगर आप एक एक सिस्टम को डिसइंटैंगल, जैसे आपने कहा ना कि डिसइंटैंगल करना, मेरा जाती है अगर आप डिसइंटैंगल करेंगे ना तो वहीं से हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकेंगे किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं आपके पास। कुछ क्लासिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ क्लासिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसी लिहाज से मॉडिफाई होते हैं कि अगर आप किस तरीके से चीज़ों का अपनी आप करेंगे, और वो इसलिए हो रहे हैं आजकल के दौर में पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास बेहतर कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, हम लोग बेहतर तरीके से मॉडल, हम लोग अपने मॉडल्स को रन कर सकते हैं, हम उनको
मतलब अगर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सेट करने हैं तो हम पैरेलल ही उनको समीशन कह सकते हैं हमारे या का क्या मतलब है हमारे मतलब पास? जनरल में बात कर रहा हूँ, ओके ओके मतलब एज ए कम्युनिटी के बात बात कर रहा हूँ कि मतलब ओके हाँ अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल है, क्या कहते हैं हाई परफॉर्म, तो आप अगर आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सबमिशन करनी हो तो आप उनका पैरेलली सबमिट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, दैट्स हाउ यू डिसएंटैंगल द थिंग। तो आप पूरा एक एटमोस्फेरिक सिस्टम को आराम से एक एक कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, जिसमें जो ज़्यादातर विच मैंने एक एक्सपेरिमेंट जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इंटरेस्ट के मैंने ओशन से स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके अंदर फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं ना लैंड इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने उसके अंदर माउंटेन्स इंट्रोड्यूस की, फिर देखा किस ओके तरीके से। तो ये कहने का मकसद है कि आप चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं इस तरीके से, किस तरीके से चीज़ें आप, और ये मॉडलिंग का जैसे कहते हैं ना एक हुसन है, मैं मॉडलिंग का हुसन की तौर पर बात कर लेता हूँ, ठीक, इसमें क्या कहते चार्म हैं है उसका, हाँ क्या हाँ कहना चाहते हैं। इसमें अभी आपने कहा था कि हमारे पास कंप्यूटेशनल फैसिलिटी है, तो मैं एटलीस्ट क्वेश्चन यही पूछने लगा था अगला कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी कंप्यूटेशनल फैसिलिटी है कि वो ये फील्ड परज्यू कर सके? आई थिंक मेरा ख्याल है होनी चाहिए थी, तो जिसमें हम, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने जिस क्लाइमेट चेंज सेंटर में काम किया, हमने भी वहाँ जब हम लोग थे तो एक छोटा सा क्लस्टर डेवलप किया गया था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी काम हुआ था, ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे विल हो वहाँ पे काम हो जाता है, ऐसा बात एक नहीं। दो तो हो लेकिन आप कह रहे हैं वी नीड मेरा मोर, तो ख्याल क्या है, इतनी है कि अब देखो मैं, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, मैं पाकिस्तान के में काफी अर्से बाहर बैठो, लेकिन मेरा ख्याल है नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स है वहाँ पे, उनके पास होनी चाहिए कंप्यूटेशनल नेशनल पावर, सेंटर ऑफ फिजिक्स के पास? हाँ ठीक मेरा है ख्याल है वहाँ। उसके अलावा मेरा ख्याल है नस्ट है शायद उनके पास होगी, आई गेस क्योंकि दे आर द बिग यूनिवर्सिटीज, आई गेस दे शुड हैव इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो मेरा लम्स हो गया, ठीक है, आई थिंक दे कैन गिव इट अ ट्राई, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। अगर फिर वही बात, अगर आपके पास नहीं भी है, हम लोग वापस अगर आ जाए उसी कोलेबोरेशन के पास, अगर आपके पास कई लोगों के साथ एस्टैब्लिश आपके लिंक्स हैं, जैसे अभी आपने जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी कि लोग लिंक्स तोड़ देते हैं, अगर वहाँ पे अगर आपके लिंक्स हों आपके पास, ठीक है, तो आप उन लिंक्स को यूज़ करते वक्त आप उनकी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम लोगों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं चीज़ों के साथ, वाटर रिसोर्स, तो हमें देखने की ज़रूरत है किस तरीके से हम इसको बेहतर तरीके से काम कर सकें। हमें मोर स्टडीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है यहाँ पे इन चीज़ें देखने। सही। इसमें मैं क्वेश्चन ये पूछने लगा था कि आपके ख्याल में ये हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पास जब बंदे हो इस फील्ड में काम करने के लिए, तभी आप यू नो कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज पे इन्वेस्ट करो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मशीनें पहले आ जाती हैं, बंद लोग होते ही नहीं है, राइट? नहीं आपकी बात सही अब है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल इनफैक्ट सही मैं है। एक एग्जांपल दूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट, कोई नहीं है इसके अच्छा अंदर कोई नहीं है। अच्छा बहुत कमाल बिल्डिंग है उसकी वैसे, हाँ, लेकिन है ही नहीं कोई। लेकिन जब मैंने ये पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो उनके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें अलमारी खोल के दिखाई, देखें जी चिप डिजाइनिंग इक्विपमेंट है, बंद रखी, क्यों? वो जी बंदे नहीं है। तो चक्कर ये है इंजीनियरिंग में कि आपके पास पहले काम करने वाले लोग हों, उनके गिर्द आप इक्विपमेंट खरीदें, ये नहीं कि इक्विपमेंट पहले आ जाए, बिल्डिंग पहले आ जाए फिर लोग आए, और ये मसला हर जगह है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला ना, क्या हमारे लोग हैं, मौजूद हैं हमारी फील्ड में, अब लोग बाहर बैठे हैं, हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करके काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन पेंडेमिक ने हमें ये एक चीज तो सिखाई है कि हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका फिजिकली होना चीजों के साथ जरूरी है, हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो और ये काम भी हो रहा है, और पिछले एक तकरीबन अब तो मेरा हाल ऑलमोस्ट यू आर डेढ़ नॉट साल हो गया। 1.5 साल से ऊपर टाइम हो गया, हम सर्वाइव कर ही रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ और काम भी चला रहे हैं सारे के सारे, ठीक, तो हमने ये चीजें सीखी है पेंडेमिक से, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अगर कुछ जो हमने सबक सीखे हैं पिछले 1.5 साल में, हम ये देखें तो हम जो बाहर है उनको इंगेज कर सकते हैं चीजों के साथ, कि किस तरीके से आप अपना नॉलेज को जो हमारे जो नई जनरेशन आ रही है उनका पास ऑन करें, ताकि चीजें आगे बिल्डअप हों, ठीक है, तो आई थिंक देर आर पॉसिबिलिटी, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, और मेरा ख्याल है हमें इसमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है वहाँ पे। और आपकी बात सही है कि
लेकिन फिर वो मैं इसी तरफ आऊंगा कि अगर जहां पे आपके पास विल हो वहां पे आप लोगों को इंगेज भी कर लेते हैं, वहां पे आपके पास रिसोर्सेज भी क्रिएट हो सकते हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हम लोगों को जरूरत भी है इस चीज को एक्सपैंड करने की जरूरत है, जो करंट रिसोर्सेज है मजीद बिल्ड करने की जरूरत है वहां पे। इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरा, कि पाकिस्तान के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है फिजिक्स के, आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए तैयार करने के लिए कोई एडिशनल स्टेप हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जितने भी अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स मैंने एटलीस्ट मैंने जो देखे हैं उनमें कहीं मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स नजर नहीं आती, नहीं पढ़ाई जाती फिजिक्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं है, मेरे ख्याल से जीसी में भी नहीं है। डू यू थिंक कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ानी चाहिए अंडर ग्रेजुएट में? पढ़ानी अगर अगर सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराई जाए तो अच्छी चीज है। आई थिंक दैट विल बी अ गुड बेसिस कि आप फ्यूचर में किस तरीके लेके जाए। लेकिन अगर मेरा हाल अगर अभी जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स भी, अगर वो भी अच्छे तरीके से उसको पढ़ा जाए, ठीक है, जैसे हम लोग चीजें को छोड़ देते हैं चॉइसेस पे, चीजें छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है अगर वो कम की जाए और अगर हम उसको करें तो थॉरली चीजों को देखें, तो मेरा ख्याल है कि यस एंड आई एग्री विद यू कि अगर अगर जैसे आप बता रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है तो अगर अगर एज एज चैप्टर के तौर पे यहाँ इंट्रोड्यूस की जाए तो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल कि किस तरीके से फ्यूचर के तौर पे हम उसको देख सकते हैं और किस तरीके से ये चीजों को अंडरस्टैंड। जी आई एग्री। ठीक है सर, ठीक है, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। आई होप थैंक कि यू वेरी आपको मच यार, और बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है मैंने कोशिश किया कि जितने चीजों को सिंपल रखी जा सके हम लोग करें, और सिर्फ मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को ना नेचर को स्टडी करना चाहिए बजाय कि स्केप्टिकल होने के, और जितना हम नेचर को स्टडी करेंगे उतना ही हम उसको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक तो है, चलो और दिस इज हाउ द क्लाइमेट इज। तो ठीक है, थैंक गुड यू लक, फॉर बीइंग अ थैंक यू वेरी पॉडकास्ट, मच थैंक यू, एंड आई होप दैट विल बी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, वेरी बाय मच। बाय बाय। बाय।